असलम नाजरीन चैनल महनामा सुल्तान फ़कर लाहौर से मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान मोहम्मद अहसन अली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हलाज रतल आल की मंसूर हलाज अपने नारा अनल हक की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं और उनके इसी नारा की वजह से उन्हें सूली पर लटका दिया गया मंसूर हलाज ने यह नारा क्यों लगाया इसका पस मंज़र क्या है और इसकी क्या वजूहत हैं मंसूर हलाज के मतलब दीगर सूफिया का नुकता नज़र क्या है मंसूर हलाज की कुत में सबसे ज़्यादा शहरत तवासीन को मिली इस वीडियो में तवासीन का भी एक जायज़ा पेश किया जाएगा आखिर में हम मंसूर हलाज की कुत में से कुछ मौजूद पर अशार भी बयान करेंगे इन तमाम सवालत के मतलब तफसील से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा नाजरीन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा नाजरीन सबसे पहले बात करते हैं मंसूर हलाज की मुख्तर सिसवान हयात की मंसूर हलाज रहमत लठ सौ अठावन ईस्वी में फारस में अलबैज़ा के शुमाल मशरक में एक दुनिया यानी रुई का काम करने वाले के यहाँ पैदा हुए आपके वालद ने जब तुस्तर नकल मकानी की तब आपने करा के एक मदरसा में बारह बरस की उम्र से पहले ही कुरान पाक हिफज कर लिया आप कम सीनी से ही कुरानी सूरतों के रूहानी और बातनी मानी तलाश करने की कोशिश करते थे इसलिए आप सबसे पहले सहल तुस्तरी तस्त्री रहमतल के मदरस तस्वुफ से वस्ता हुए सहल तुस्तरी तस्त्री रहमतल्लै की सोहबत से दो साल फैज याब होने के बाद फिर आप बसरा तशरीफ ले गए फिर आप सहल तुस्तरी तस्तरी रहमतल्लै की सोबत से दो साल फैजयाब होने के बाद बसरा तशरीफ़ ले गए फिर आप उमरूबिन स्स्मान अलमलकी के सिलसिला तरीक़ा से मुंसलिक हुए और हरक़ा से मुशरफ हुए मंसूर हलाज की मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शेख जुनेद बगदादी रहमत से भी मुलाकातें हुईं और उन्होंने मंसूर हलाज को खलवत और स्कूत की तरबियत से मुजय किया कुछ लोगों को ये गलत फ़हमी है कि जब मंसूर हलाज रमत कसूली पर लटकाया गया तब फतवा देने वालों में हजरत शेख जुनेद बगदादी रमत भी मौजूद थे नाजरीन ये सरासर गलत है क्योंकि जब मंसूर हलाज रहमत लूली पर लटकाया गया उस वक्त हज़रत शेख जुनेद बगदादी रहमत वफात पा चुके थे आप हर रात चार सौ रक़ात नमाज अदा किया करते थे और इस अमल को अपने ऊपर फ़र्ज करार दे दिया था जब लोगों ने आपसे सवाल किया कि ऐसे बुलंद मरातब हासिल होने के बाद आप अजियतें क्यों बर्दाश्त करते हैं तो जवाब दिया कि दोस्ती का मफहम यही है कि मसाइब पर सब्र किया जाए और जो उसकी राह में फना हो जाते हैं उन्हें राहत और गम का कोई एहसास बाकी नहीं रहता पचास साल की उम्र में आपने ये फरमाया कि अब तक मेरा कोई मसलक नहीं लेकिन तमाम मजाहब में जो मुश्किल तरीन चीज़ें हैं उन्हें मैंने अख्तियार कर लिया है पचास बरस में एक हज़ार साल की नमाज़ें अदा कर चुका हूँ और हर नमाज के लिए गुसल को ज़रूरी तसुर किया है इबादत और रियाजत के दौर में आप मुसलसल एक ही गोदड़ी में ज़िंदगी बसर करते रहे एक शख्स ने आपके करीब एक बिच्छू को देख कर मारने का ख्याल किया तो आपने फरमाया इसको मत मारना क्योंकि ये बारह बरस से मेरे साथ है नाजरीन फिर वो वक्त भी आ गया कि जब आपने अनल हक का नारा बुलंद कर दिया यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि एक सादक सूफी आयना की मिसल होता है अगर कोई मुरीद या दुश्मन इसमें कोई बुराई देखे तब ये जान लेना चाहिए कि वो इस मुरीद दुश्मन या शख्स का अपना बातन है और वह सूफ़ी उनका मजहर और आईना है मंसूर हलाज के अनल हक को खुदाई दावा कहा गया लेकिन उस पुरफितन दौर की तारीख को पढ़कर मालूम होता है कि उस वक्त सब ही अपने उसाफो व माल में खुदाई का दावा कर रहे थे इस नारा की वजह से आपको नौ साल कैद में रखने के बाद बिलाघर शहीद कर दिया गया कैद के दौरान बाद बुज़ुर्गों ने आपके पास चंद अफ़राद को भेज कर ये कहलवाया कि कहने से तोबा कर लो ताकि क़ैद से रहा कर दिए जाओ आपने जवाब दिया कि मैं मज़ूर हूँ फिर एक मरतबा हज़रत अतारहमतल खुद भी आपके पास गए लेकिन आपने उन्हें जवाब दिया कि जिसने ये कहा है उसी से कहो तस्कर में फरीदुद्दीन अतार रहमत उनकी मौत के मनाज़र को यूँ बयान करते हैं जिस दिन आपको फांसी के फंदे के पास ले जाया गया तो आपने बाबू ताक को बोसा देकर सीढ़ी पर कदम रखा और जब आपसे हज़रत बकर शिबली रहमत ने पूछा कि तसवुफ़ किस को कहते हैं तो आपने फ़रमाया कि जो कुछ आप देख रहे हो ये तो तसव्वुफ का अदना तरीन दर्जा है क्योंकि अला तरीन दर्जा से तो कोई भी वाकिफ़ नहीं हो सकता इसके बाद लोगों ने आपको संसार करना शुरू कर दिया जिसको आप रत नहायत खामोशी से बर्दाश्त करते रहे फिर सीढ़ी पर आपके हाथ क़ा किए गए फिर पाँव और आखिर में आंखें निकाल कर ज़ुबान कथा कर दी गई जब सर कलम हुआ तब आप कह कहा लगा कर इंतकाल कर गए अतार अहम मजीद लिखते हैं आपके हर हर उज से अनल़ की आवाज़ें आने लगें फिर जिस वक्त हर उज्व को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और सिर्फ गर्दन और पुश्त बाकी रह गए तो इन दोनों हिस्सों से भी अनल हक का व्रत जारी था आपको अगले दिन जला दिया गया और राख दरियाए दजला में बहा दी गई नाजरीन मंसूर हलाज के बारे में सूफिया कराम का नुक्ता नजर क्या है हक में मुस्तगर मंसूर हलाज को अपने अनल हक की बिना पर सूली पर लटकाया गया था अहले ज़हर आपको काफिर कहते हैं तो अहले तसवुफ़ में भी इख्तलाफ पाया जाता है बाज में आप मकबूल तो बाज ने आपको रद्द किया और अक्सर बेशतर ने आपके मामला में खामोशी या तोक़ से काम लिया नाजरीन यहाँ मैं सिर्फ चंद बुजुर्गान दीन के नज़रियात पेश करूँगा दौरे हाजिर के मुजदत मुर्शद कामिल अकमल सुल्तान लाशीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबर मदज़िल्ल अकद्दस अपनी तसनीफ़ मुबारक शमसुलफ़रा में एक तरफ़ अना अब्दहू और दूसरी जानब अनह अन्ला जैसे नारों में मुजना करते हुए लिखते हैं मंसूर हलाज ने मुकाम वहदत पर पहुँच कर अनिलहक बा यजीदबी ने सुबहानी माँ आज़ामुशानी और अबू का शिबली ने अना अल्लाह कहा लेकिन हजूरतम अपने आप को अन्ा अब्दहू फरमाते हैं जो मज़ा अन्ा अब्दहू में है वो अना अलक् और अनाअ और सुबहानी मा आजमशानी में नहीं है कामिल और अकमल अफराद ने मुक़ाम अब्दहू पर ही ठहरना पसंद फ़रमाया है क्योंकि आशिक मुक़ाम न्याज है और मशूक मुक़ाम नाज है हकीकत में अना और अल्ला औरक से अना अब्बू अफसल है सुल्तानुल सुल्तानफी हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमत ली तसनीफ़ लतीीफ़ फ़कर में अनाल हक के आजी मुक़ाम के बारे में लिखते हैं मंसूर हलाज ने फ़रमाया अनाल हक, यानी मैं हक हूँ अना एक रास है जो इस रास को जान लेता है वो इलाही हासिल कर लेता है जब ख़ातमनबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल् वसम इस मुकाम पर पहुँचे तो फरमाया या तेरी पाक है मैं तेरी मार्फ़त उस तरह हासिल नहीं कर सका जिस तरह तेरी मारिफत का हक़ है और मैं तेरी इबादत उस तरह नहीं कर सका जिस तरह तेरी इबादत का हक है बस मालूम हुआ कि ये मुकाम भी खाम है और इस मुकाम से आगे बढ़ कर मुक़ाम ला तख पर पहुँचना चाहिए इसके बारे में इरशाद बारी ताला है अलाया ला खौफ उन जनू बेशलिया को ना कोई खौफ़ है और ना कोई गम अक्लमत बन और याद रख के ये मुकाम फ़कर्र है जिस पर ख़ातम्नबी हज़रत महम्मद सल्ला तसलम ने फ़ख्र फ़रमाया है नाजरीन इस तरह दीगर बेशुमार फ़्रा जैसा कि इमाम ग़ाली रहमत लज़रत आता गंजब्श्श रहमत हज़र फ़रीदुल्दीन अत रतल सब ने मंसूर हलाज के मरतबा के बारे में अपनी तसनीफ़ में तस्करा किया है इसके मतलब जानने के लिए मज़मून का तफसीली मतलब ज़रूर कीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है नाजरीन मंसूर हलाज ने बहुत सी कुतब तहरीर फरमाई लेकिन मैं इस वीडियो में जिस किताब का जिक्र करने लगा हूँ वो है तवासीन तमाम कुतब में तवासीन को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई तोसिन के ग्यारह बाब हैं इस वीडियो में मैं सिर्फ़ उनके नामों का जिक्र करूँगा पहला बाप है तसीन से दूसरा बाप है तसीन अलफ़ाहम तीसरा बाप है तासीन सफा, चौथा बाप है तासीन दायरा पाँचवा बाप है तासीन नुक्ता, छठा बाप है अल अज़ल वल्तबास सातवा बाप है अल मशिया, आठवां बाप है तासीन तौहीद नवा बाप है तासीन तहसन अलरार्फ तोहीद दसवां बाप है तासीन अल तंजीह और ग्यारहवा और आखिरी बाप है तहसीन अलमारफा मानामा सुल्तान फ़खर लाहौर अप्रैल और मई के शुमारों में इन तमाम अब का ख़ुलासा बयान किया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप तफसील से मुला कर सकते हैं नाजरीन अपनी इस वीडियो में मैं तवासीन से चंद इकतबास पेश कर रहा हूँ मंसूर हलाज ररमाते हैं तोहित एक भेद है और अल्लाहत के ज़रिए अपने असरार दिलों पर मुंकश करता है वो ज़ात हमारे तुहद बयान करने से एक नहीं बनी बल्कि हमेशा से एक है उसकी तरफ इशारा कैसे किया जाए वो तो इससे भी मावरा है और उसकी तारीफ का हक अदा करना नामुमकिन में से है तोहद का पता गुफ्तु से नहीं चलता वो तो हकीकत है अल्लाह ने खुद को पोशीदा किया हुआ है मगर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो मौजूद नहीं वो तो हर जगह मौजूद है वह जमानो मकान की कैद से आज़ाद है और उसकी मखलूक कैद है बेशक काबा के रुख सजदा किया जाता है और क़दीम जात का बताता है मगर काबा मकसूद या मबूद नहीं अल्लाह तक अक़ल की रसाई नहीं बल्कि सिर्फ़ इश्क की है नाजरीन मारफत के मतलब मंसूर हलाज रहमत फरमाते हैं मारफ़त की एक सूरत यह है कि वो अकलों से गायब होने वाली और नजरों से पोशीदा होने वाली चीज़ है क्या अल्लाह की मार्फत नहीं हो सकती जो शख्स फनाए नफ्स के हाल में ये दावा करे कि उसने बानी को पहचान लिया तब ये नामुमकिन है क्योंकि एक फ़ानी किस तरह एक बाकी और मौजूद को पहचान सकता है जो शख्स ये कहे कि उसने अपनी हस्ती के जरिए ज़ात की मारिफत हासिल की तब कैसे कोई दुई में यकता ज़ात को पहचान सकता है जिस शख्स ने यह मान लिया कि वह खुदा की पहचान से जाहल है तब वो मारफत कैसे हासिल कर सकता और जो इसम को पहचानता है और मुसमा को नहीं तो ये कैसे मुमकिन है क्योंकि इसम और मुसम्मा यकता और एक हैं ये मार्फत तो ना हुई जो ये कहे कि उसने उसको उसी की ज़ात के ज़रिए पहचाना तब यहाँ भी दुई है और जो जात की सनत गरी और कुदरत के ज़रिए पहचानने का दावा करे तब ज़ात की मार्फत नहीं बल्कि उसने सिर्फ़ सनत पर इतफा कर लिया और जो आदमी इजस के ज़रिए पहचानने का यानी मार्फत का दावा करे तब इजस सिर्फ जात की बारगाह में होता है ना के मखलूक की और जो मार्फत को नामुमकिन समझे फिर मार्फत उसके लिए नामुमकिन रही जिसने इलम से पहचानने का दावा किया तो इलम सिर्फ अकल और नसूद तक महदूद है और उस जात का कोई जमानो मकान नहीं जो ये कहे कि जात ने खुद अपनी ज़ात का वसफ़ बयान किया है तो ये इल्मिलयीम है ना कि हकुल यकीन जिसने कहा कि उसने खुद अपने आप को पहचाना तब ये कहना बजा है कि वो शख्स नफ्स की कैद में मुबतला है जो शख्स ये कहे कि उसने हकीकता पहचान लिया तो ये कैसे हो सकता जबकि अल्लाह की मार्फत का समंदर अबूर करना नामुमकिन में से है मंसूरहल आज मजीद लिखते हैं अजीब बात है कि एक शख्स जो ये नहीं जानता कि उसके बदन पर काला बाल क्यों और सफ़ेद बाल किस लिए उगता है वो कैसे दावा कर सकता है कि वो तमाम चीज़ों के खालिग को पहचान सकता है बात यह है कि हक हक है और मखलूक सिर्फ़ मखलूक है उसको जू कतूँ तस्लीम कर लेना चाहिए और इसमें कोई हरज नहीं है नाजरीन तवासीन, वहदतुल वज़ूद के मौजू पर तहरीर की गई है मंसूर हलाज की तलीमात और नज़रियात से आगाही के लिए आपके सामने चंदाशार पेश कर रहा हूँ विल अर्द तख्लुमिन का हत् तालु यतलु बुना का फिसमाई मफहम यह है कौन सी ज़मीन तेरे वजूद से खाली है कि लोग तुझे ऊपर आसमानों में ढूंढते हैं अंतल्लाजी खस्ता कुल्ला आना बना वीला आइना फ़ आयना अंता मफहम यह है तू वो है जानी अल्लाह की तरफ अल्लाह के बारे में बात हो रही है कि तू वो है के हर जगह को घेरे हुए है इस तरह के तू कहीं नहीं है दखल तो सूती लदई का अलल की वलौला का लाहूती हरज तो मनस्सद की मैंने खल्क को तेरी नसूती हकीकत से मुतारफ़ करवाया तेरी लाहूती हकीकत के लिए मैं सच को कुर्बान कर दूँ वज़ाहरा बातरा तजली फिकुल्ली शीन लिकुल्ली शहीन तू ज़ाहिर और बातन में अया होता है हर शय में हर शेय के लिए नाजरीन इन अशार से ज़ाहिर होता है कि मंसूर हलाज की तलीमात वजूद की आकाश हैं आपने अनल हक का जो नारा लगाया वो बजात खुद नहीं लगाया बल्कि तजलियात इलाही से मगलूब होकर वाहदत के मुकाम पर उनके अंदर से हूत हक ताला ने कलाम किया ताहम वजूद के नज़रिया से नावफ़ उनके इस दावा को खुदाई दावा करार देते हैं नाजरीन हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मंसूर हलाज पर लिखी गई इस खूबसूरत तहरीर का इंग्लिश में भी तर्जुमा किया जा चुका है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए इसके साथ ही अपने मेज़बान सुल्तान मोहम्मद अहसन अली को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़